तो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा सही होंगे। तो गाइस, आज हम लोग अनबॉक्स करेंगे इन्फिनिक्स का नोट 11, जो कि काफ़ी ज़्यादा फ़ोन अच्छा है। अपने कम प्राइस में आपको इसमें एमोलेड डिस्प्ले जैसा कि क्वालिटी, बहुत सारे फीचर्स मिल सकते हैं। तो बिना वक्त वाले वीडियो करते हैं, चलिए स्टार्ट। तो देख सकते हैं इन्फिनिक्स का बॉर्ड कुछ ब्लैक कलर का है, कुछ हाईलाइट फीचर्स इसके पीछे एंड आगे भी दिए गए हैं। पीछे जैसे देख सकते हैं, इसमें प्राइस जो आपकी 14,999 पर रखी है, मैं आपको इसकी एक्चुअल प्राइस आपको वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए बॉक्स खोलते हैं, ओपन रखते हैं इसको साइड में। तो जैसा कि बॉक्स ओपन होते ही हमें वहाँ पे ऊपर फ़ोन मिलता है, ये अपने रैप के साथ। पीछे की बात करें तो देख सकते हैं गाइस, काफ़ी ज़्यादा फ़ोन खूबसूरत देखने में लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा फ़ोन खूबसूरत है। प्लास्टिक बैग जैसा देखने को उसमें मिलता है। रखते हैं इसको साइड में, देखते हैं बॉक्स अंदर और क्या क्या है। तो गाइस, ये रहा हमारा बॉक्स के अंदर ये चार्जर इन्फिनिक्स का, एंड ए टू सी केबल है, जैसा कि गाइस देख सकते हैं ए टू सी केबल है। एंड ये कुछ डॉलर के नोट, यूजर मैनुअल गाइड, एंड ये बैक कवर। बैक कवर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है, काफ़ी नॉर्मल सा बैक कवर है, एवरेज बैक कवर देखा जाए तो। हम देखते हैं और क्या है इसके साथ, इससे में कनेक्टर पिन, एंड ये फ़ोन के प्रोटेक्शन के लिए स्क्रीन गार्ड। तो इन सबको रखते हैं साइड में। तो गाइस, जैसा कि फ़ोन देख सकते हैं, चलिए फ़ोन को करते हैं अनरैप। और फ़ोन देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फ़ोन खूबसूरत लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। शाइनिंग बैक है इसकी, पूरी फ्रेम जो ये शाइनिंग है, एंड आगे भी आपको कॉर्निंग लगा इसकी प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। अगर इसके फ्रेम की बात की जाए तो इसमें आपको प्लास्टिक का फ्रेम देखने को मिलता है, ये साइड में जितने भी है सब ये प्लास्टिक के। पर इसमें साइन जो दी गई वो आपको ग्लास बैक जैसी साइन देगी, जो कि ये आपको काफ़ी ज़्यादा साइन करेगा। इसको डे एंड नाइट में यूज़ करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा, अगर इस पर लाइट पड़ेगा तो काफ़ी ज़्यादा इस पर इफेक्ट करेगा। अगर राइट हैंड साइड की बात की जाए तो आपको राइट हैंड साइड भी आपको प्लास्टिक का ही मिलता है, साइड में आपको फिंगरप्रिंट मिलेगा, वॉल्यूम वॉकर मिलेगा। ऊपर की बात की जाए तो ऊपर आपको पूरा नीट एंड क्लीन मिलेगा। साइड की बात की जाए इसमें आप साइड में सिम एग्जिटर पिन देखने को मिलता है। नीचे की बात की जाए इसमें आपको 3.5 mm का जैक मिलता है, माइक मिलता है, टाइप सी चार्जर है, स्पीकर, इसमें आपको दो स्पीकर सपोर्ट कर देखने को मिलता है, यहाँ मिलता है यहाँ मिलता है। चलिए बिना वक्त भाई फ़ोन करते हैं बूट। तो गाइस, जैसा कि देख सकते हैं फ़ोन हो गया है हमारा बूट, और फ़ोन काफ़ी देखने में अच्छा लग रहा है। अगर इसके डिस्प्ले साइज़ की बात की जाए, जिसमें आपको 6.7 inch का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। और ब्राइटनेस की बात की जाए, जिसमें आपको 750 nits का ब्राइटनेस देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। फ़ोन पूरा ब्राइट लग रहा है, डे एंड नाइट यूज़ करने में आपको कोई भी दिक्कत ऐसी परेशानी नहीं होगी। अगर रेवोल्यूशन की बात की जाए, इसमें आपको रेवोल्यूशन 1080p का आपको रेवोल्यूशन मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। एंड अगर इसके बैक की बात की जाए, इसमें आपको प्लास्टिक का ही बैग देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा भी ये भी सही है। तो गाइस, बढ़ते से कैमरे की तरफ, जैसे कैमरा देख सकते हैं, कैमरा बम्प काफ़ी ज़्यादा निकला हुआ है, कैमरा काफ़ी देखने में प्रीमियम लग रहा है, एशियन प्रीमियम लग रहा है। इसमें हम देख सकते हैं तीन कैमरा दिखा है, जी हाँ, इसमें आपको 50 megapixel का पहला एंड सेकेंडरी डेप्थ मिलता है, और तीसरा आपको AI लेंस देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फोटो को इन्हांस करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा, बेटर और अच्छी पिक्चर क्वालिटी आपको देगी। अगर फ्रंट कैमरे में देखा जाए तो इसमें आपको 8 megapixel का फ्रंट कैमरा देखने को मिल सकता है। चलिए देखते हैं इसकी कुछ वीडियो क्वालिटीज़। जैसा कि देख सकते हैं फ़ोन में जो कैमरा चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है मेरे को। अगर इसकी वीडियो क्वालिटी की बात की जाए तो इसमें आपको वीडियो क्वालिटी भी 1080p पे 60 या 30 fps दोनों सपोर्ट करता है, एंड 2K भी सपोर्ट करता है, जी हाँ। दूसरे इसमें देख सकते हैं, जैसा कि आप 2K देखने को सपोर्ट करता है, जो कि इस प्राइस रेंज में 2K सपोर्ट करता है, किसी भी फ़ोन में नहीं हो सकता। पर इस प्राइस में इन्फिनिक्स जैसे ब्रांड आपको 2K सपोर्ट की ऑप्शन भी देते हैं। अगर फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो फ्रंट कैमरा भी काफ़ी ज़्यादा देखने में अच्छा लग रहा है, वीडियो क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बढ़ते इसके प्रोसेसर की तरफ, जैसा कि देख सकते हो गाइस, में प्रोसेसर आपको MediaTek का हीलियो G88 गेमिंग प्रोसेसर मिलता है, जो कि फ़ोन को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनाता है। अगर इसके GPU की बात की जाए, इसमें आपको माली का 52 MC2 का GPU मिलता है, जो कि फ़ोन को काफ़ी ज़्यादा हीटिंग प्रॉब्लम से बचाए, इसमें कम रखता है। अगर रैम टाइप की बात की जाए, इसमें आपको LPDDR4X का रैम मिलता है। अगर एंड्रॉयड की बात की जाए, इसमें आपको एंड्रॉयड 11 सपोर्ट देखने को मिल सकता है, जो कि आउट ऑफ द बॉक्स है। अपडेट के बाद आपको इसमें 12 and 30 का अपडेट मिल सकता है। UFS की बात की जाए, इसमें आपको UFS 2.2 मिलता है। बढ़ते इसके नेटवर्क कनेक्टिविटी की तरफ, जैसे गाइस अगर नेटवर्क की बात की जाए, आपको नेटवर्क का डुअल सिम 4G मिलता है, जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको डुअल सिम 4G मिलता है। अगर वाईफाई की बात की जाए, इसमें आपको वाईफाई का 2 GHz एंड 5 GHz दोनों सपोर्ट देखने को मिलता है, जैसे 2 GHz एंड 5 GHz दोनों आपको सपोर्ट करता मिलता है, जो कि नेटवर्क को काफ़ी ज़्यादा इनहेंस अच्छा बनाता है। अगर इसकी ब्लूटूथ की बात की जाए, इसमें आपको ब्लूटूथ का 5.2 का सपोर्ट मिलता है, जो कि ब्लूटूथ शेयरिंग में काफ़ी ज़्यादा
मदद करेगा। अगर इसकी बैटरी की बात की जाए तो इसमें आपको बैटरी, जैसा कि देख सकते हैं गाइस, इसमें आपको बैटरी की बात की जाए तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बैटरी हैवी है और डेली यूजर्स के लिए बैटरी ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगी। इसमें आपको बैटरी में भी काफ़ी ज़्यादा जैसे सेटिंग मिल सकती है, जैसे पावर बूस्टर एंड अल्ट्रा पावर सेविंग मोड, जो कि 171 आवर का एक्सपेक्ट कर सकता है। बहुत सारी एडवांस फीचर भी दिए गए, जिसमें आपको 33 वाट का फास्ट चार्जर सपोर्ट करता है, जो कि टाइप सी कनेक्टेड है। ये डाटा ट्रांसफर करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। अगर बाय इसकी वेरिएंट की बात की जाए, इसमें आपको 2 ही वेरिएंट मिलते हैं, 464 एंड 6128। 464 की प्राइस बता दिया जाए तो 12,499 है। 6128 की प्राइस की बात की जाए तो इसमें आपको 14,499 के, जो कि काफ़ी ज़्यादा फ़ोन अच्छे क्वालिटी में और अच्छे कम प्राइस में ही आपको ये प्रीमियम जैसा फ़ोन लुक मिल सकता है। अगर आपको ये फ़ोन चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ पर आप जाके इसे बाय कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही मज़ेदार और नए नए गैजेट नए नए फोन की अनबॉक्सिंग देखने के लिए इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको डेली टू डेली अपडेट मिलता रहे और नए नए फोन की अनबॉक्सिंग आप जरूर से जरूर देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।